हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं हूं आतिफ रमानी। आप देख रहे हैं वामटेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कैनन कैमरा। अगर तो आप कैनन के कैमरा के यूज़र हैं और आप लेंस वगैरह कैनन के शौकीन हैं रखने के, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं उसके लिए आपको एक आई क्लाउड भी कैनन की तरफ से दिया जाता है और आप अपने कैमरा को मोबाइल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लेंस के शौकीन हैं और कैनन के लेंस के बारे में फुल लेंथ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम देखेंगे कैनन की फुल वैरायटी ऑफ लेंस। तो इस वीडियो पे को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी एप्लीकेशन की तरफ। जी दोस्तों, ये है मेरी आज की कैनन की एप्लीकेशंस। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो आपको ये 5 एप्लीकेशंस इजीली मिल जाएंगी गूगल प्ले से और एप्पल स्टोर से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये कैनन की अपनी प्रोडक्ट हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी पहली एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है कैमरा कनेक्ट। ये कैमरा कनेक्ट की एप्लीकेशन है जी दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने कैमरा को लाइव जो है उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और रिमोटली उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा यहाँ से कनेक्ट है तो आप इसको तमाम वीडियो फीचर जितने भी कैमरा के फंक्शन सेटिंग तमाम चीज़ों को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक आपके पास आइकॉन नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आपको कैमरा को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इतना कोई टिपिकल नहीं है कैमरा कनेक्ट करना, सिर्फ आपका कैमरा यहाँ पर जो है कनेक्ट हो जाएगा कैनन का, जिसमें NFC वाईफाई फंक्शन होगा वो उसको आपने कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करना है तो ईजीली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास कैमरा नहीं है इसीलिए यहाँ पर ये मुझे येस और नो गाइडलाइन का बता रहा है। तो जी दोस्तों, यहाँ से आप कैमरा को कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमें जो मिल जाता है वो है इमेज ऑफ कैमरा। यहाँ पर अगर आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तो ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये भी यही करेगा कि आपके कैमरा में जितनी पिक्चर्स हैं उनको वाईफाई के थ्रू सारी पिक्चर्स को आपके मोबाइल में डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद जो पिक्चर्स या वीडियो आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, क्लिक करें और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली इस एप्लीकेशन का यही पर्पस था। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन है मेरी कंपेनियन कैनन की। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है और आप चाहते हैं उसके मुझे ट्यूटोरियल्स भी मिलते रहें और तमाम शूटिंग फोटोग्राफी किस तरीके से टिप्स टेक्निक्स हैं सारी की सारी, ये इनका यहाँ पर अपना कंपेनियन रहता है। यहाँ पर आप अपने कैमरा को कॉन्फ़िगर कीजिए, उसके बाद तमाम मालूमात आपको वीडियो की कंडीशन में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद देखें, आपको 4 आइकॉन नीचे मिल जाते हैं, होम आपके पास कैमरा का है और आपके पास बुकमार्क का है, लेंस का है और सेटिंग का है। तो यहाँ देखें, ये तमाम स्टोरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कैनन की। तो मेरा कैमरा इस वक्त इसमें कॉन्फ़िगर्ड हुआ हुआ है इसलिए मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पिक्चर्स की और ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल रहे हैं वो मेरे कैमरे से रिलेटेड मिल रहे हैं। अगर आप अपना कैमरा को यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप कैमरा के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा। फर्स्ट अगर आप कॉन्फ़िगर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कॉन्फ़िगर योर कैमरा। अगर आपका पहले से कोई कैमरा कॉन्फ़िगर हुआ और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो टॉप पे आपके पास चेंज आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से अपना कैमरा फाइंड कीजिए लिखने के बाद और यहाँ से उसको कनेक्ट कर दीजिए सिंपली। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उस कैमरे से रिलेटेड जितनी भी टिप्स एंड टेक्निक्स वगैरह जो भी होंगे वीडियोज़ वगैरह अपलोड यहाँ पर आपको वहाँ मिलती रहेंगी। तो उसके बाद तीसरा आइकॉन है यहाँ पर, अगर आप देखें तो बुकमार्क का, यहाँ पर आपके जो भी स्किल्स हैं उनको भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा तो उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास लेंस है, यहाँ पर अगर लेंस में आ जाए तो यहाँ से तमाम लेंस की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो कंडीशंस के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि आपके लेंसेज से पोर्ट्रेट किस तरीके से ले सकते हैं और आपकी कंपेटेबिलिटी क्या है कैमरा के साथ। तो यहाँ से पोर्ट्रेट किस तरह लेते हैं तमाम वीडियोस के ट्यूटोरियल यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग में जाके आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साइन इन कर दें कैनन की आईडी के साथ। तो जी दोस्तों, ये थी सेकंड एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन जो है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कैनन के तमाम वैरायटी ऑफ लेंस देखने को। मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है ये, आप यहाँ क्लिक कीजिए। कैनन लेंस का कैमरा है, यहाँ पर आप देखिएगा कैनन लेंस के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर तमाम आपको लेंस की वैरायटी मिल जाती है कैनन की। यहाँ पर जो भी कैनन का कैमरा अगर आप लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आप यहाँ पर अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिए और आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कैनन के टोटल कितने लेंस है। तो फिलहाल ये मेरे पास एक ट्रायल वर्जन है जो कि लिमिटेड है। अगर आप इसको फुल और भी मज़ीद इसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अपग्रेड क्लिक कर देंगे तो अपग्रेड के ऊपर आपसे ये $1 ले लेगा और आपको ये अपग्रेड कर देगा और भी जितनी डिटेल होगी उससे कैनन के लेंसेज से रिलेटेड सारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी की सारी आपको मिल रही हैं कैनन की लेंस
की डिटेल। अगर आप इसे यहाँ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कीजिए। ऑल में देख लें आपको कौन कौन सा चाहिए, अल्ट्रा वायलेट स्टैंडर्ड, टेलीफोटो जूम, वाइड एंगल स्टैंडर्ड, तो आपको यहाँ पर फुल जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है कि आपका कौन सा लेंस किस पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ से भी आप चूज़ करके अपना जो भी लेंस लेने के शौक रखते हैं तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेके उसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने ले लिया अल्ट्रा वाइड जूम लेंस, को क्लिक करके मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ अल्ट्रा वाइड के जो जो लेंस आते हैं वो बता रहा है। और यहाँ से अगर मैं इसको फिर चेंज कर दूँ, मैंने कहा जी स्टैंडर्ड लेंस, तो स्टैंडर्ड जितने भी होंगे वो मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो चलिए जैसा कि हम कोई भी एक लेंस को ओपन कर लेते हैं, यहाँ मैंने इस लेंस को ओपन कर लिया तो ये देखिए EFS का 1855 का आपको ये दिखा रहा है 3.5 एपर्चर वाला। यहाँ पर आपको तमाम लेंस की डिटेल दिखा रहा है कि कौन सा लेंस है, उसके कितने जो हैं आपके फोकस हैं, वेट क्या है उसका, तमाम इन्फॉर्मेशन लेंस से रिलेटेड आपको यहां से मिल जाएगी। अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो व्यू एट कैनन वेबसाइट पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आपको ये वेबसाइट पर जम कर देगा और वहां से जाके आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ जो कि है कैनन की इमेज का गेटवे है। यहाँ पर आपने जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप देख लीजिए, यहाँ से आपने टॉप टू अपलोड कर देना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल कैमरे में जितनी भी पिक्चर होंगी लिस्ट बनी हुई होगी एल्बम के अंदर या आपके डिवाइस में, सारी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप इजीली इसको अपने क्लाउड के ऊपर लोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको नीचे यहाँ को देखने को मिल जाते हैं सिलेक्ट, अगर आपने पहले से कोई इमेज ले रखी है यहाँ पर तो उसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास स्टिक्स मिल जाएंगी। तो ये भी सिंपल से ही एप्लीकेशन है, बस यहाँ से आपने क्या करना है कि पिक्चर्स जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिन जिनको आपने क्लाउड पे डालना तो वहाँ डाल देंगे। ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग में आ जाए तो यहाँ आपको तमाम सेटिंग में अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तमाम आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। उसके बाद आ जाए मेरी वन ऑफ मोस्ट जो है वो फेवरेट एप्लीकेशन है इसका, आईरिस्टा के नाम से है ये। अगर आपके कैनन का कैमरा है और उसके ऊपर आपके ये लोगो बना होता है तो इट्स मीन आप जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको 15 GB का जो है ना फ्री स्पेस मिल जाता है। सेम लाइक आईक्लाउड है आपका, लेकिन कैनन का अपना, यहाँ जितनी भी पिक्चर्स होंगी आपकी यहाँ डिस्प्ले में आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर पिक्चर को आप रखिए और उसका एल्बम वगैरह जो भी क्रिएट करना है उनको पूरा आपने सॉर्टिंग जिस तरीके से करनी है अपनी मर्जी से, यहाँ पर रखने के बाद इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ कैमरा रोल आ रहा है प्लस के ऑप्शन से और कैनन कैमरा आ रहा है। आपको कहाँ से पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है, कैनन कैमरा से तो क्लिक करेंगे, कैनन का कैमरा अगर आपका कनेक्ट हुआ हुआ होगा इसके साथ तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसी एप्लीकेशन के ऊपर। ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कनेक्ट कैमरा पे, तो यहाँ जब आपका कैमरा कनेक्ट होगा सारी लिस्ट आ रही होगी आपकी, तो यहाँ से क्लिक करेंगे वापसी आप वहाँ पर ले जाएंगे इसको उस एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर जाके ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स की डिस्प्ले कर देगा। तो फिर आप इजीली वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपको देखने के तो मिल जाएगा स्पेस कितना है आपके पास लिखा आ रहा है, 15 GB का आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। तो जी दोस्तों ये थी मेरी आज कैनन की एप्लीकेशन। तो आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आई होगी, आप इसको एक बार लाजमी यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और हाँ दोस्तों अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो आने वाली हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।